रिलायंस स्मार्ट जो कि बहुत, यहाँ पे KFC भी मिल जाएगा। रिलायंस डिजिटल का ट्रेंड्स मिल जाएगा, एप्पल स्टोर भी मिल जाएगा जो कि पीछे 1100 बैलेंस मिल जाता है, 500 टिकट मिल जाता है, तो आप कोई भी प्राइस यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू द ब्लॉग्स, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स बाय मनीष यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए हैं फोरम गैलेरिया और आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या स्टोर सब अवेलेबल है। 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है बट मैं आते रहता हूँ यहाँ, बट कभी ब्लॉग नहीं किए थे, तो आज सोचा कि आपको यहाँ पर क्या क्या स्टोर सब अवेलेबल है वो सब मैं आपको दिखाऊँ। तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा क्या क्या स्टोर सब है, और चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। ये मॉल का मेन स्टोर बोलने से आपको यहाँ पे मैक्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद ट्रेंड्स मिल जाएगा, फिर रिलायंस डिजिटल, फिर और वो साइड में लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिलायंस स्मार्ट है और ये पेंटालून का है। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है। ये फोरम गैलेरिया का अंडरग्राउंड पार्किंग, यहाँ कार पार्किंग और ये साइड में बाइक पार्किंग सब के लिए भी है। पूरा हाईटेक पार्किंग है, यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत बड़ा पार्किंग है यहाँ पर। ये है एंट्रेंस यहाँ का, देख सकते हैं, ये मेन गेट है। तो मॉल यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको सामने में ही स्मार्ट मिल जाएगा, रिलायंस स्मार्ट जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या सब है यहाँ में। रिलायंस स्मार्ट के बगल में आपको यहाँ पे KFC भी मिल जाएगा जो कि राउरकेला का पहला KFC है यहाँ पर, और जस्ट उसके साइड में आपको हाउस ऑफ कैंडीज भी मिल जाएगा। तो हाउस ऑफ कैंडी जस्ट क्रॉस करने के बाद सामने में आपको ये पेंटालून मिल जाएगा। और अगर आपको क्लॉथ शॉपिंग करने अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे स्केचर्स और खादिम ब्रांड का शूज़ कलेक्शन सब है, शोरूम है, आप आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं एक बार कभी। तो ये है टोनीलैंड का राइड जोन, ये बच्चे लोग के लिए है, यहाँ पे कार ट्रेन वगैरह वो राइड कर सकते हैं। तो ये है एलन सोली का शोरूम और उसके साइड में है स्पाइकर का शोरूम। और ये मॉल में आपको राउरकेला का पहला एप्पल स्टोर भी मिल जाएगा जो कि ये पीछे में आप देख सकते हैं। तो गाइस ग्राउंड फ्लोर का टूर खत्म और अभी हम चले फर्स्ट फ्लोर और आपको ऊपर का दिखाते हैं ऊपर में क्या सब है। तो अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर में, मैं आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो जस्ट आप ऊपर आते साथ आपको यहाँ पे ट्रेंड्स मिल जाएगा, ट्रेंड्स के बाद वो साइड में आपको मैक्स मिल जाएगा, मैं पास से जाकर दिखा दूँगा। तो यह मैक्स यहाँ का फोरम गैलेरिया का, अंदर तो नहीं जाएंगे आज, खाली बाहर बाहर का क्या क्या स्टोर सब है वही बस दिखाएंगे आपको। तो गाइस मैं कैसे लग रहा हूँ ज़रूर से नीचे कमेंट कर दीजिएगा एक बार। तो ये गो कलर्स गर्ल्स मैक्स का जस्ट साइड में एक तो मुफ्ती करके एक स्टोर खुला हुआ है बॉयज़ लोग के लिए, यहाँ पे अच्छा अच्छा कलेक्शन सब रखा हुआ है, बाहर से तो दिख रहा था। और फर्स्ट फ्लोर में और एक तो पेंटालूम का शोरूम है यहाँ पर क्लोथ्स का। ये है एंट्रेंस रिलायंस डिजिटल का। तो ये है रिलायंस डिजिटल, यहाँ पे आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ मिल जाएगी जैसे कि लैपटॉप मोबाइल TV वगैरह, जितना भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होते हैं सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो एक बार आके ज़रूर से विज़िट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर टाइटन का शोरूम है और जॉकी का भी है यहाँ पे देख सकते हैं आप।
गाइस ये हम लोग का जो टोनी लैंड है जो प्लेजोन है यहाँ पर, इसका मैं डेडिकेट अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या खेलने के लिए है यहाँ पे बच्चे लोग के लिए और सबके लिए। तो देखते हैं अंदर में क्या सब है। यहाँ पे एक पूछ लेते हैं प्राइजेस सब कैसा है। सो एक्चुअली हम लोग का यहाँ गेम खेलने के लिए कार्ड बनाना पड़ेगा और कार्ड का मिनिमम 300 है, उसमें आपको 260 बैलेंस मिलेंगे। अगर आप 500 लेते हो तो 500 बैलेंस, 1000 में 1100, 2000 में 2300 और ये एक साल का वैलिड भी। और अगर आप जब तक बैलेंस है आप कभी भी आके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गोल्ड कार्ड लेते हैं वो 3500 का है, उसमें आपको 4300 बैलेंस मिल जाता है, 500 टिकट मिल जाते हैं, तो आप कोई भी प्राइस यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। किस टाइप का है यहाँ पे आप प्लान देख सकते हैं। प्रीमियम प्लान एक है, ये 12 मंथ्स तक का वैलिड होता है और ये गोल्ड प्लान ये 24 मंथ तक का है। इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। ये 3rd फ्लोर में आपको पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, पूरा खाली। और ये है 5th फ्लोर में PVR है। मैं इसका ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं पहले ही बना चुका हूँ तो आप देख लीजिएगा, डाल दूंगा आई बटन। तो गाइस अभी जस्ट वीडियो एडिट कर रहे थे और देखे वीडियो एंड नहीं किया हूँ तो अभी एंड कर दे रहा हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये साइड या ये साइड में होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही और कोई ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।